हेलो दोस्तों, गर्भावस्था बहुत खास समय होता है। पूरे 9 महीने तक इतने उतार चढ़ाव आते हैं कि प्रेग्नेंट महिला के लिए एक नया एहसास बन जाता है और यादगार हो जाता है। अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं होती है। हर एक महिलाएं यही चाहती हैं कि उनके शिशु का जन्म नॉर्मल तरीके से हो और कोई दिक्कत नहीं हो। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए गर्भवती महिला को क्या क्या करना चाहिए वो मैं बताने जा रही हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी अच्छी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, ताकि गर्भावस्था के दौरान आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रेग्नेंट महिला को क्या क्या करना चाहिए वो जान लेते हैं। सबसे पहला है स्वस्थ आहार। गर्भावस्था के दौरान संतुलित और पौष्टिक आहार का सेवन करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। इसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन और डेयरी प्रोडक्ट यानी कि दूध, दही, घी, मक्खन खूब खाने हैं। आयरन और कैल्शियम युक्त आहार भी महत्वपूर्ण होता है एक प्रेग्नेंट महिला के लिए। दूसरा जो है नियमित व्यायाम। गर्भवती महिला के लिए नियमित और हल्का व्यायाम बहुत फायदेमंद होता है। योग करना, पैदल चलना और तैराकी करना व्यायाम प्रसव के लिए बहुत जरूरी होता है दोस्तों। शरीर को तैयार करता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। आप अपने डॉक्टर की सलाह लेकर व्यायाम करें ताकि आपके बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल हो। उसके बाद बारी आती है पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी होता है। दिन में कम से कम 8-10 ग्लास पानी गर्भवती महिला को जरूर पीने चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी नहीं हो, एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा भी सही मात्रा में रहे। प्रसव पूर्व कक्षाएं भी कई महिलाएं लेती हैं। आजकल शहरों में ये कक्षाएं चलती हैं ताकि गर्भावस्था के दौरान आपको क्या क्या करने हैं ताकि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल तरीके से हो। इसमें प्रसव के दौरान सांस लेने की तकनीक और विभिन्न प्रसव मुद्राएं भी बताई जाती है और आपको कौन से व्यायाम करने हैं ताकि डिलीवरी नॉर्मल हो, ये सारी बातें आपको बताई जाती हैं। गर्भावस्था में तनाव नहीं करना चाहिए, तनाव कम करें। अगर आपको कोई चिंता है तो आपको उस चिंता को दूर करना है दोस्तों, या उसको इग्नोर करना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो गर्भावस्था के दौरान तनाव जिन भी महिलाओं को हो जाता है उनको कई सारी समस्याएं होने लगती है। इसके लिए आप मेडिटेशन करें, गहरी सांस लें, आरामदायक गतिविधियों में शामिल हों ताकि तनाव को कम करने में मदद मिले। नींद और आराम ये भी बहुत जरूरी होता है अगर आप चाहती हैं आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो तो। ये आवश्यक है दोस्तों, आपको जितना नींद चाहिए उतना लेना बहुत जरूरी है और आराम करना भी बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि कोई और समस्या आपको हो जाए। डॉक्टर से नियमित चेकअप भी करवाना बहुत जरूरी है। नियमित रूप से आपको डॉक्टर के पास जाने चाहिए, जो आवश्यक जाँच है वो करवाने चाहिए ताकि कोई दिक्कत हो तो समस्या का पता चल सके और समय पर उसका उपचार हो सके ताकि डिलीवरी नॉर्मल हो सके। गर्भावस्था के दौरान नकारात्मक सोच नहीं रखना है दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव बने रहें। परिवार के साथ, दोस्तों के साथ समय बिताएं, अपने परिवार दोस्तों के बीच में रहें, भावना से जुड़ी रहें। आप चिंता में नहीं रहें, आप हमेशा बातचीत करते रहें, ये भी बहुत जरूरी होता है। प्रसव का योजना बनाना भी बहुत जरूरी है। जब डिलीवरी नज़दीक आ जाए तो आपको पहले से ही इसके बारे में हर एक कुछ का इंतजाम कर लेना है, चाहे हॉस्पिटल जाने की बारी हो, चाहे आपको रुपये पैसे की हो, चाहे इंसान के हेल्प की जरूरत हो। आपको अकेले नहीं रहना है और डिलीवरी के पहले सारे इंतजाम आपको कर लेने हैं ताकि आप बाद में भाग दौड़ ना करें। प्राकृतिक उपाय भी कई सारे होते हैं दोस्तों, जिसमें मसाज भी शामिल होता है और खान पान का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। आपको दही घी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। घी तो रोज़ाना खाने हैं,
ताकि डिलीवरी आपकी नॉर्मल हो। समय पर सोना, समय पर उठना और अपने खाने पीने पे ध्यान देना, डॉक्टरी सलाह, नियमित रूप से जांच, इन सभी चीज़ों को आप करती हैं, ध्यान रखती हैं, तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी। मैं आशा करती हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।